ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट दोनों कर रहे हैं हम एक ही वीडियो में। यहां पे देखो अल्फा प्लस बीटा इसमें जीरो बता रखा है और अल्फा इंटू बीटा √5 बता रखा है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारे पास px इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो जहां जहां ये वैल्यू दे रखी है हमें वो रख दो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यहां पे दे रखा है जीरो जीरो एक्स प्लस और यहां पे अल्फा इंटू बीटा दे रखा है √5 तो ये √5 यही रख दो। तो हमारे पास px क्या आ गया ये जीरो से मल्टीप्लाई होगा ये तो जीरो हो जाएगा ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस √5 ये हो गया हमारा px। तो दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। सेकेंड क्वेश्चन ये सेकेंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट इसमें अल्फा प्लस बीटा 1 दे रखा है अल्फा इंटू बीटा 1 दे रखा है तो ये px इज इक्वल टू स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इसकी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब ये बार बार सर जी क्यों लिख रहे हैं देखो जब भी हम कोई भी क्वेश्चन करें जिसमें फॉर्मूला यूज हो रहा है या कोई स्टैंडर्ड फॉर्म यूज हो रही है तो वो जरूर लिखो। इस क्वेश्चन में देखो इसमें ये फॉर्म अगर लिखेंगे तो इसके भी मार्क्स होते हैं ठीक है। तो यहां पे इसके बाद एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा ये कितना दे रखा है 1 तो 1 का मल्टीप्लीकेशन एक्स में करेंगे तो एक्स ही आएगा और अल्फा प्लस बीटा ये भी 1 दे रखा है तो प्लस 1 तो ये पी एक्स भी हमारा यही ये पी एक्स आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट और सेकंड क्वेश्चन का सिक्स्थ पार्ट। यहां फिफ्थ पार्ट में हमें क्या बता रखा है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस 1/4 दे रखा है और अल्फा इंटू बीटा 1/4 दे रखा है और हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो यह होता है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा तो यह कितना आएगा एक्स स्क्वायर और यहां पे माइनस वैल्यू दे रखी है माइनस 1/4 तो यहां पे माइनस ये और ब्रैकेट में माइनस 1/4 इंटू एक्स प्लस यहां पे अल्फा इंटू बीटा दे रखा है 1/4 तो ये 1/4 रख दिया यहां पे। अब क्या आया एक्स स्क्वायर ये माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में होगी तो प्लस हो जाएगा और 1/4 एक्स ये आएगा प्लस 1/4 ये रहा तो ये है हमारे पास px। अब देखो मैंने क्या बताया था जब भी फ्रैक्शन में आ जाए 1/4 1/2 इस तरह की वैल्यू आ जाए तो हम क्या करेंगे यहां पे देखो यहां पे 1 है यहां पे 1 यहां पे 4 यहां पे 4 तो 1/4/4 इन सब का हम एलसीएम फाइंड कर लेंगे और जो एलसीएम आएगा उसकी मल्टीप्लीकेशन हम दोनों साइड में कर देंगे तो इन दोनों का यहां पर भी 4 है यहां पर भी 4 है तो हमें कोई दिक्कत नहीं यहां पर एलसीएम इसका 4 ही आएगा तो 4 की मल्टीप्लाई कर दो ऑन मल्टीप्लाई 4 बोथ साइड दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 की 4 px इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर यहां पे 4 की मल्टीप्लाई हुई 4 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया और 4 टाइम की मल्टीप्लाई यहां पर होगी इसमें होगी तो क्या होगा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा ये बचेगा सिर्फ एक्स और 4 की मल्टीप्लाई यहां पे होगी तो यहां पे भी 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा बचेगा 1। अब ये 4 टाइम्स ऑफ px ये क्या है ये भी एक पॉलिनोमियल है तो ये होगा इसको क्या दो gx gx इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल ठीक है। ये क्वेश्चन कंप्लीट इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह है सेकंड क्वेश्चन का सिक्स पार्ट इसमें दे रखा है अल्फा प्लस बीटा 4 और अल्फा इंटू बीटा 1 तो यहां पे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है px की इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा तो यहां एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना है 4 तो यहां पर आ गया ये माइनस 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1 तो यह आ गया 1 तो ये आ गया हमारे पास px की वैल्यू आ गई तो बस यही हमारा आंसर है दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट मतलब पॉलिनोमियल कंप्लीट नहीं हुआ अभी ये क्वेश्चन जितने भी थे ये सभी बेसिक क्वेश्चन थे
इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और इसके एडवांस लेवल के क्वेश्चन आएंगे वो हम करेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में। और मैं बताना चाहता हूं कि जो ऑरेंज कलर्ड थंबनेल है वो है बेसिक का, और जो एनसीईआरटी के लिए ब्लू कलर थंबनेल होगा, और जो ग्रीन कलर का थंबनेल होगा वो हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का होगा। तो आप क्लासिफाई कर सकते हो डिफरेंट वीडियोस को कि कौन सी वीडियो एनसीईआरटी की सॉल्यूशंस है, कौन सी वीडियो कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, और कौन सी वीडियोस आपकी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की है। ठीक है, तो थंबनेल के कलर से आप जान सकते हो ऑरेंज ब्लू एंड ग्रीन। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।